फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत में नई उड़ानें शुरू हो रही है जो कि यूएसए, यूके, बहरीन, जेदा और भी कई देशों से उड़ानों को लेकर जानकारी आ रही है। यदि आप इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं या फिर दूसरे देशों से भारत में आने वाले हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप इस न्यूज़ को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको इस समय चल रहे एयरलाइंस के नए नियम और ट्रैवल से रिलेटेड जानकारी मिल पाए। आज की एयरलाइंस से सबसे बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर बहरीन से नए एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। फ्रेंड, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत सरकार और बहरीन की सरकार ने मिलकर नए एयर बबल्स से एग्रीमेंट की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि भारत से बहरीन के लिए उड़ानें कब शुरू होंगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत से बहरीन के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का लेटेस्ट ट्वीट आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस अब भारत से बहरीन और बहरीन से भारत के लिए अपनी फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। यदि आप बहरीन जाना चाहते हैं तो आप सीधा एयरलाइन से टिकट खरीद के ट्रैवल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से। दिल्ली एयरपोर्ट ने यहाँ पर सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए कोरोना टेस्ट की फैसिलिटी शुरू कर दी है। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आप अपना कोरोना का टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर ही करा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। साथ ही साथ जो पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर कोई दूसरे एयरपोर्ट पर ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ये निर्देश दिया गया है कि वह अपनी दूसरी फ्लाइट कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप रखकर ही बुक करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस बीच में आपका रिजल्ट आने में तकरीबन 4 से 6 घंटे का समय लग सकता है। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा शुरू किए गए इस टेस्ट को लेकर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आज आपको मिल जाएगी। अगली जानकारी ले लेते हैं एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। फ्रेंड्स, एयर बबल्स एग्रीमेंट के ऊपर हम लगातार आपको जानकारी देते रहते हैं। इसके बाद भी कई लोगों के अभी भी ये सवाल हैं कि भारत इस समय कितने देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन कर चुका है और कितने देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन होने वाला है। इसके अलावा भारत में कितनी एयरलाइंस कंपनियां ऑपरेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर यदि बात करें तो भारत इस समय तक लगभग 10 देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट को साइन कर चुका है, जिनके नाम है यूएस, यूके, कतर, फ्रांस, जर्मनी, अफगानिस्तान, मालदीव, यूएई और बहरीन। और इसके साथ साथ भारत में कई विदेशी एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। यदि उनकी बात करें तो उनके नाम है यूनाइटेड एयरलाइंस, एमिरात, एतिहाद एयरवेज, एयर फ्रांस, लुफ्तांसा, एयर कैनेडा, वर्जिन अटलांटिक। इन सभी एयरलाइंस कंपनियों ने भारत में अपनी उड़ानों को शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, इन सब के साथ साथ भारत इस समय लगभग 13 देशों के साथ नए एयर बबल्स एग्रीमेंट को चालू करने को लेकर बातचीत कर रहा है और उम्मीद है कि आगे आने वाले 10 से 15 दिन में और नए एयर बबल्स एग्रीमेंट की शुरुआत हो जाएगी। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर जेदा से नई उड़ानों के बारे में। फ्रेंड्स, जो लोग भी जेदा में हैं और भारत आना चाहते हैं उनके लिए नई फ्लाइटों की लिस्ट और उनके किराए का डिटेल भी एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया है। ये आप लिस्ट में देख सकते हैं जो कि सऊदी अरब की एम्बेसी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जहां पर जो किराए का अमाउंट आ रहा है वह 1361 रियाल का है। अगली जानकारी लेते हैं भारत और यूके के बीच नई उड़ानों के बारे में। फ्रेंड्स, भारत से एयर इंडिया यूके के लिए अपनी उड़ानों को शुरू कर चुकी है। इसी बीच में एयर इंडिया नई और उड़ानों को जोड़ रही है जो कि अक्टूबर महीने में ऑपरेट होने वाली है। एक डिटेल के अनुसार एयर इंडिया अमृतसर से बर्मिंघम के लिए नई उड़ानें शुरू कर चुकी है। इन उड़ानों की बुकिंग इस समय चालू है। यदि आप इसके टिकट की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप सीधा एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। एयर इंडिया की उड़ान वाया अमृतसर 18 से 24 अक्टूबर के बीच में ऑपरेट होने वाली है। अगली बड़ी खबर लेते हैं यूएस जाने वाले लोगों के लिए। 1 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में चलने वाली एयर इंडिया की उड़ानों की बुकिंग अभी भी एयर इंडिया की वेबसाइट पर जारी है। बीते कल भी एयर इंडिया ने इसको लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एयर इंडिया इस समय न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है, जिसकी बुकिंग चालू है। आप इसकी टिकट की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी जानकारी कि यदि आप दूसरे देशों से अपने कोरोना का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बात आप ध्यान
रखें कि आपका कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट इंग्लिश में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके कोरोना के रिपोर्ट में आपका नाम और आपकी सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट की डिटेल से मैच होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप अपने टेस्ट को ऑथराइज लैब से ही कराएं, ताकि आप एयरपोर्ट पर जब भी पहुंचे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी राज्यों से क्वारंटाइन को लेकर नए नियम की लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट आ गई है। यदि आपको क्वारंटाइन की ये सारी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट करके जान सकते हैं, जहां पर आपको राज्यों के अनुसार पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जब भी करें, जब आपको लगे कि ये वीडियो आपके किसी काम की है, जो ये जरूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।